आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। आइए आज हम नीति वचन अध्याय 26 से कुछ नया सीखेंगे। गर्मी में बर्फबारी नहीं होती और बारिश पक्की फसल को उजाड़ देती है, वैसे ही मूर्खों को दिया गया आदर उन पर नहीं फूटता। जैसे छोटा पक्षी एक जगह पर टिक नहीं बैठता, वैसे ही बिना वजह किया गया श्राप किसी पर नहीं पड़ता। जैसे घोड़े को चाबुक से सुधारा जाता है, खच्चर को लगाम से चलाया जाता है, वैसे ही मूर्ख को छड़ी से सुधारा जाता है। मूर्ख से बहस न करे वरना आप में और उसमें कोई फर्क नहीं। मूर्ख अपनी मूर्खता को उजागर कर देने वरना वह सोचेगा कि वह बुद्धिमान है। मूर्ख के हाथ से भेजा हुआ संदेश कभी नहीं सही रूप में नहीं पहुंचेगा। जैसे अधरंगी अपने पैरों को इस्तेमाल नहीं कर सकता, वैसे ही मूर्ख व्यक्ति निजी वचन का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता। हत्यारे और चोर मूर्ख का आदर करते हैं। जैसे शराबी को चोट लगने पर दर्द नहीं होता है, वैसे ही मूर्खों को निजी वचन से कुछ सीख नहीं मिलती। ऐसे मूर्खों को जो यह सोचते हैं कि वह सब जानता है, मजदूर पर लाने के बजाय ऐसे मजदूर को मजदूरी पर लाना ठीक है जो कुछ नहीं जानता। जैसे कुत्ता अपने ही की हुई उल्टी को फिर खा लेता है, वैसे ही मूर्ख अपनी ही की हुई मूर्खता को फिर दोहराता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति को देखेंगे हैं जो यह सोचता हो कि वह सब कुछ बहुत अच्छी तरह जानता है, तो उस व्यक्ति के बजाय मूर्ख से ज्यादा उम्मीद की जा सकती है। आलसी लोगों के पास काम न करने के लिए बहुत बहाने होते हैं। आलसी लोग सारा दिन सोते रहना और बेकार पड़े रहना चाहते हैं। आलसी लोग इतने आलसी होते हैं कि वह खाना भी खुद नहीं खाना चाहते। आलसी लोग सोचते हैं कि वह साथ ईमानदार लोगों से भी ज्यादा समझदार है। दूसरे लोगों के झगड़े में पड़ना उतना ही बुरा है जितना एक पागल कुत्ते को उसके कानों से पकड़ना। अगर आप अपने दोस्त को धोखा दें और बाद में कहें कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, तो आप उन दोस्त को खो देंगे। जैसे कोयला और लकड़ी आग को जलाए रखते हैं, उसी तरह बहस करने वाले करते रहने से झगड़ा जारी रहता है। किसी के बारे में बोले गए बुरे शब्दों को बुलाया नहीं जा सकता। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू।